लैंगिक समस्या का इलाज बिना दवाई से करो, इसलिए काफी लोग मेरे पास में आते रहते हैं। भाई आपका स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनोत्तरी महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। लोग बोलते हैं हमने सिल्डेनाफिल ले लिया, टाडालाफिल ले लिया, हमने सब कुछ दवाई ट्राई कर लिया, आयुर्वेदिक लिया, होम्योपैथिक लिया, और कुछ फायदा नहीं हो रहा है। और वो हमारे पास में आते हैं कि शिश्न में कठोरता नहीं आती, सेक्स कर नहीं पाते, या जल्दी शीघ्र पतन हो जाता है, या प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। तभी मैं बातचीत करूंगा शिश्न में कठोरता नहीं आना, साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। तो जब ये लोग मेरे पास में आते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग लोग करते हैं, ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं इसके बारे में, या खुद हॉस्पिटल में चले आते हैं, तो उनको जब जब आने के बाद में मैं उनको उनके साथ में पहले बैठता हूँ, उनका पूरा एनालिसिस करता हूँ, हमारे पास में कुछ टेस्ट है वो टेस्ट उनको देता हूँ, और उनका असेसमेंट होने के बाद में जब मुझे पता चलता है कि नहीं, यह पूरा साइकोलॉजिकल है, क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है, शिश्न में कठोरता नहीं आना, या सेक्स समस्या जो है, अधिकतर इसका कारण जो है वो मानसिक ही होते रहता है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि उसमें कुछ बीमारी है अलग, जैसी डायबिटीज़ है, मतलब शक्कर की बीमारी, मधुमेह है, या ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही है, ब्लड प्रेशर है, या कभी रीढ़ की हड्डी में कुछ जख्म हुई है, या कुछ मार लगी हुई है, या कुछ नर्व्स का प्रॉब्लम है। तो एक बार वो निकल गया तो मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है कि शिश्न में कठोरता नहीं आना, ये कारण साइकोलॉजिकली होता है। इसमें हम हरदम बोलते हैं कि भाई आप अपने पत्नी को साथ में लेके आ जाओ, और मैं हरदम कपल को काउंसिलिंग करता हूँ, पति पत्नी का काउंसिलिंग करता हूँ। बोलता नहीं मुझे शर्म आती है, मैं कैसा बोलूँ, मतलब आपने बोला नहीं तभी उसको मालूम है कि तुम्हारा जमता नहीं कार्यक्रम, तुम्हारे से होता नहीं है सेक्स, ये उसको मालूम है, तो फिर बोल दो। जब वो बोलते हैं तो उनका काफ़ी टेंशन कम हो जाता है, और जब दोनों मेरे पास में काउंसिलिंग के लिए आते हैं तो मैं उनको काउंसिलिंग करता हूँ। इसमें मास्टर एंड जॉनसन टेक्निक है, और उसमें उनको देखना पड़ता है कि आपस में क्या प्रॉब्लम है, आपस में इनकी कहाँ कहाँ जमती नहीं है, आपस में कहाँ विरोध एक दूसरे को हो रहा है, क्या खुन्नस कुछ पकड़ के बैठे हैं क्या आपस में, मज़ा क्यों नहीं आ रहा उनको, कहाँ कहाँ टेंशन्स उनके बारे में उनके दिमाग में चल रहे, रोज़ के व्यवहार के इसमें, रोज़ के व्यवहार में, रोज़ के धंधे पाने में कहाँ टेंशन हो रहे, मतलब वो देखना पड़ता है कि कारण क्या है भाई, कि जिसके वजह से इनको लैंगिक असफलता या लैंगिक समस्या का निर्माण हुआ है। जब वो कारण हम दूर करते हैं तो इनको एकदम उसमें फ़ायदा होता है। कभी कभी तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई सेकंड हनीमून के लिए चले जाओ, या कहीं तभी घूमने चले जाओ, बाहर चले जाओ कुछ दिन के लिए, जहाँ कुछ संपर्क नहीं आपका किसके साथ में, मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ मज़ा कर रहे, और टेंशन रिलीज का कार्यक्रम करो कहीं तभी जाके, जहाँ से आपको दिमाग को शांति लगेगी, और आप फिर से वो जो गए हुए दिन हैं, बीते हुए साल, वो फिर से आप वापस ला सकोगे। क्योंकि जैसे जैसे साल बढ़ते जाते शादी के बाद में, शादी पुरानी होती जाती है, उसमें कोई मज़ा नहीं आती है, टेंशन बढ़ जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फिर कुछ कोर्ट में केसेस चल रही है, आजू बाजू वाले लोग जो है धंधे के या रहने वाले वो तकलीफ़ दे रहे हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम है, काफ़ी सारी ऐसी जो प्रॉब्लम है जो अतीत में हुई है या फ्यूचर में होने वाली है, इसके वजह से उनको सेक्स में प्रॉब्लम आता है। क्योंकि सेक्स शिश्न की कठोरता जो है उसका ओरिजिन दिमाग में होता है, यहाँ जब दिमाग में उसका एक्साइटमेंट होता है तभी शिश्न में, मतलब पेनिस में, करीब करीब आधा पाँव से लेके एक पाँव तक खून अंदर घुसता है, और जब वो खून अंदर जाता है तो कठोरता आती है। तो ये जब हम उनको काउंसिलिंग करते हैं, कोचिंग करते हैं, तो उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाता है। उनको मैं 6 से 10 बार कपल को आने के लिए बोलता हूँ, वो मेरे पास में आते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, दोनों को पूछते रहते हैं, दोनों को एक दूसरे के विचार, उसके बारे में चर्चा करते हैं, टेंशन कहाँ है उसके बारे में होता है, फिर उनको मैं कुछ एक्सरसाइज देता हूँ करने के लिए, वो एक्सरसाइज करो, और फिर बाद में उनका जीवन अच्छा होना शुरू हो जाता है। करीब करीब 8-10 दिन में 15 दिन में फिर वो रिपोर्ट करते कि अभी हमारा सेक्स लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, और कोई भी गोली यहाँ काम नहीं आई, कोई भी गोली से काम नहीं जम रहा, यहाँ वो काउंसलिंग काम में आया, ऐसा लोग बोलते रहते हैं। हमारा जो मकसद है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। ये वीडियो आप लोगों को शेयर करेंगे तो लोगों को बहुत काम में आएगा, और आप हमारे पार्टनर बनेंगे ये मिशन में, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल,
एंड एडिक्शन फ्री इंडिया। इसमें वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करो, हिट करो, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।